हर काम करने का, हर टास्क करने का जो एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, एथिक जिसे कहते हैं ना, एथिकली सही लग रहा है नहीं लग रहा, एथिकली हो रहा है नहीं हो रहा। आजकल हम वो सुन रहे हैं कॉर्पोरेट्स में बड़ा इस पे जोर आ रहा है, डिपार्टमेंट्स में बन रही एथिकल कमेटीज, यूनिवर्सिटीज में बन रही एथिकल रिव्यू कमेटीज, अलग अलग स्मॉल बिजनेसेस, लॉन्ग बिजनेसेस, एवरीथिंग, हर जगह जो है वो ये सिनेरियो बड़ा इन हुआ है आजकल। एथिक्स बेसिकली, एथिक्स की जो अगर हम बुक्स खोले ना कभी, तो डेफिनेशन पढ़ी जाए, कोड ऑफ कंडक्ट टू परफॉर्म अ टास्क, अ प्रोसीजर टू कंडक्ट अ टास्क, अ साइकोलॉजिकल बिहेवियर टू कंडक्ट अ टास्क। एथिक्स करना क्या है? एथिक्स आपकी जिंदगी में हर जगह है। आपके साथ बैठना है आपको ना, उसके भी एथिक्स है। वाइफ के साथ बैठना है, उसके भी एथिक्स है। दोस्तों के साथ बैठना है, उसके भी एथिक्स है। किसी को कोई बात ना बुरी लग जाए, किसके सामने कब कहां क्या बात करनी है, व्हेन एवर, व्हाट टू स्पीक, होम टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक। एथिक्स, एथिक्स ऑफ स्पीकिंग, एथिक्स ऑफ वर्क, टू होम टू गिव अ टास्क, फ्रॉम होम टू टेक अ रिजल्ट एंड फ्रॉम होम टू एक्सपेक्ट। एथिकली समझ आता है, इसको काम दूंगा ज्यादा बेहतर करेगा, उसको काम दूंगा ये काम वो ज्यादा बेहतर कर लेगा, ये काम ये ज्यादा बेहतर कर लेगा। मॉरली किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ना, कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के डिप्लोमा वाले को इंग्लिश पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूं, वो नहीं कर सकेगा, वो उसके चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी उसके लिए, वो हिल जाएगा अपनी जगह से। हर जगह रहने का एक तरीका है। अब वर्क एथिक्स जब आता है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको वर्क एथिक्स के बारे में बहुत कम नॉलेज है या नॉलेज है ही नहीं। यहाँ तक के लोगों को ये भी नहीं पता, वो फोन के पास बैठे होते हैं ना, एक रिसेप्शनिस्ट का काम है फोन उठाना। द पर्सन डजंट इवन नो कि नेवर पिक अप अ फोन फर्स्ट बेल। आपको पता है ये एथिक है, एटलीस्ट लेट इट रिंग फॉर टू बेल्स फिर आप उठाएंगे, वो एथिक है। फोन रिसीव करने का भी एक एथिक है। अब आपको जब चीजें पता नहीं होंगी ना, तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। अंटिल एंड अनलेस आपको नॉलेज नहीं होगी, यू कांट वर्क फॉर इट, यू कांट गो फॉर द स्ट्राइक एट द राइट टाइम। यू हैव टू पिक अप सम नॉर्म्स इन योर लाइफ, जिसमें आपको ये चीजें अपनी छोटी छोटी करेक्ट करनी होंगी, क्योंकि इससे आप इन माइक्रोस को करेक्ट करने से ना आपके मैक्रोस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, आपकी लाइफ के डिसीजंस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, जजमेंट पे, पर्सनैलिटी तक पे बहुत असर पड़ता है। लोग हमेशा ये देखते हैं कि इंसान, लोग ना आपको आपकी पर्सनैलिटी पे जज जरूर करते हैं, शूज से, हेयर स्टाइल से, बियर्ड कट से। वो जो मैक्रोस होते हैं ना, कि जी बात कैसे करता है, सलाम कैसे करता है, जी दोस्तों में कैसे है, जी घर वालों में कैसे, ये बहुत बात की चीजें होती हैं। एथिकली कोई आपके पास कोई काम लेके आए ना आपके वर्किंग प्लेस पर, तो आपको उसे इंटरटेन प्रॉपर मैनर में करना है, इवन दो आपको उसको गाइड भी इतने सही तरीके से करना है ना, कि उसका अगला स्टॉप वही कंसर्निंग पर्सन हो जहां उसका वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। एथिक्स, यू हैव टू गाइड हिम इन अ परफेक्ट मैनर दैट ही गोस टू द नेक्स्ट स्टेशन और वहां उसका काम हो जाए। कोई आपसे मिलने आता है, तो आपको उसको ग्रीट इस तरह करना है कि उसका मूड जितना भी खराब हो ना बाहर, वो जितनी भी मार खा के आ रहा हो, वो आपसे मिल के ना उसका मूड अच्छा हो। ये एथिक्स है यार। आप किसी को ये आप चेंज ऑब्जर्व कर सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व दिस चेंज व्हेन यू ग्रीट अ पर्सन इन अ गुड मैनर, आपका अपना दिन भी ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक जेस्चर्स जब एक्सचेंज करता है ना इंसान, तो वो पिट वाला रहा होता है, लेकिन वो जेस्चर्स जब चेंज करता है ना किसी, हम कहते हैं ना यार तुमसे मिला जरा बात हुई, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, वो बोझ जो हल्का हो रहा होता है ना, बेसिकली आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को फ्लश आउट कर रहे होते हैं। वो एथिकली और मॉरली आपको सपोर्ट कर रहा होता है सामने वाला, क्यों? वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू, इन स्पाइट के वो सिर्फ, ही इज जस्ट हियरिंग यू एंड यू आर स्पीकिंग। आधे लोगों का मसला वैसे ही हल हो जाता है, अपने आप के खाली जेस्चर को चेंज करने से आपको पता नहीं कि आप सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं, आपकी वर्किंग प्लेस में, आपकी फैमिली में आप कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं, कितनी स्माइल्स आप इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितनी खुशियां आप लोगों को दे सकते हैं। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।